हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको डेकोपेज वर्क करवाऊंगी बॉक्स के अंदर। बॉक्स में ये मेरा बॉक्स है, घर में ऐसे ही पड़ा था, मैं उस पर कर रही हूँ। ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स है, इस पर मैंने डेकोपेज वर्क किया हुआ है। आज मैं इसी को आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको वर्क करना है। ये मेरा बॉक्स है, इसका जो टेक्सचर है मैंने दिया है ये, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको इसके पे भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ये आपको कटआउट्स चाहिए, आप मैगज़ीन से किसी से भी कटआउट्स ले सकते हो। आपको फ्लैट ब्रश चाहिए और आपको एक कप या कोई भी बाउल जिसमें आप फेविकॉल को मिक्स करोगे। मैंने यहाँ पर फेविकॉल लिया है, ये नॉर्मल शॉप से ले सकते हो आप, मिल जाएगा। ये फेविकॉल, 1 स्पून फेविकॉल लिया है। इसमें मैंने 2 स्पून वाटर डाला है और इसको आपको बहुत अच्छे से मिक्स करना है जब तक इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी ना हो जाए। ये मैंने कलर लिया है, फैब्रिक का कलर है, आप कोई भी कलर ले सकते हो। वैसे मैं फैब्रिक्रिल का ही यूज़ कर रही हूँ, सैप ग्रीन, वाइट और रेड है। ये मैंने 3D आउटलाइनर लिया है। ये कुछ कटआउट्स हैं जो कि मैंने गिफ्ट रैपिंग पेपर से लिया है। आप गिफ्ट रैपिंग पेपर भी बहुत डिफरेंट तरीके के आते हैं, आप उसमें से भी ले सकते हो। अगर नहीं है तो आप मैगज़ीन है, आपके घर में कोई भी मैगज़ीन होगी, बुक्स होती हैं, आप बुक से भी निकाल सकते हो। कोई अच्छा सा पैटर्न, कोई भी कुछ भी वर्क आप निकाल सकते हो उसमें से। न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर से भी आप कटआउट निकाल सकते हो। हालांकि डेकोपेज वर्क जो होता है वो राइस पेपर, टिश्यू पेपर्स होते हैं उस तरह से, उसमें किया जाता है। बट मैं मैगज़ीन से, इन सब चीज़ों से निकाल के भी कुछ वर्क इसमें भी करती हूँ, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। बट मुझे इसका भी मन किया तो मैंने इस पर बनाया है। ये मेरा कटआउट था जो थोड़ा सा कट गया था, तो उसको मैंने डाउन कर दिया और ये वाला जो पोर्शन है वो उसको ऊपर किया है। अब इस पर मैंने जो ग्लू का पेस्ट बनाया था उसको मैंने इस पर स्प्रेड किया है, उसके बाद इसको मैंने लगाया। ये जो कटआउट है मेरा, ये वाला आधा कट था, तो इसको मैंने नीचे कर दिया। जो मेरा प्रॉपर कटआउट है कि प्रॉपर तरीके से, उसको मैंने ऊपर रख दिया है ताकि मेरा वो हाइड हो जाए। इसके ऊपर भी आपको स्प्रेड करना है, इवनली आपको स्प्रेड करना है। इस तरह से आप दोनों साइड, आपको पहले आपको लगा के और फिर उसको पेस्ट को, बस ये है कि ये थोड़ा थिक होता है पेपर, तो थोड़ा सा उसको पेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है शिफ्ट होने में। तो आप ब्रश को आपको इवनली स्प्रेड करना है, स्प्रेड करेंगे। अब मैंने वाइट कलर लिया है, इसके जो एजेस हैं थोड़े थोड़े फ्लावर्स के ऊपर से, मैं इसको हल्का सा कलर का टेक्सचर दे रही हूँ ताकि वो शेड थोड़ा प्रॉपर निकल के आ जाए, खिल गया। बट ये आपको वर्क करना है आफ्टर ड्राई, नॉट बिफोर। वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है अच्छे से, देन आपको ये प्रॉपर शेड देना है। और आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि जब आप इसको लगाते हैं, इस शीट को आप लगा रहे हो जब, तब इसमें हल्की सी भी सिकुड़न ना रहे, प्रॉपर इवनली ये फ्लैट हो जाए और आप ब्रश से बिल्कुल आराम आराम से करें। और इसकी फिर इस तरह से आपको, आप कुछ भी डिज़ाइन ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लोटस लिया है तो मैं इसको लोटस के पैटर्न में इसको शेड दे रही हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन लो, उस पर आप हल्का सा जब आप कलर शेड दोगे तो वो एक इफ़ेक्ट आता है कि आपने खुद से ये बनाया है। ये नहीं लगेगा कि आपने पेस्ट किया है, ये पेस्टिंग वर्क नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने खुद से बनाया है, ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ, सैप ग्रीन, सॉरी। इसका हल्का हल्का मैं टच दे रही हूँ, यहाँ पे लीफ का टच दे रही हूँ मैं, थोड़ा सा लोटस की लीफ का, कि जिस तरह से उसकी लोटस की लीफ होती है मैं उसका टच दे रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा शेड जो है वो आप साइड साइड में भी दे सकते हैं। अब मैं इस पर हल्का सा वाइट और हल्का सा ब्लू को हल्का सा बिल्कुल मिला के इसको मिक्स कर रही हूँ। थोड़ा सा वाइट और मिला लिया है ताकि इसका ये टेक्सचर, देखिए जो ये टेक्सचर दे रही हूँ, इसको आप ब्रश से भी दे सकते हो आप, और अगर आपके पास स्टेंसिल्स हैं तो आप स्टेंसिल से भी कर सकते हो। बट मैं इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको बहुत ईजी वे में कोई डिफ़िकल्टी ना हो कि जो चीज़ आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं आप, आपके पास नहीं, जुगाड़ लगाइए। जुगाड़ लगाना हम इंडियंस को तो वैसे भी बहुत अच्छे से आता है मैनेज करना हर चीज़। तो बस आपको क्या करना है, इसको ब्रश से आपको टेक्सचर देना है, आपको इस तरह से टेक्सचर देना है। आपका स्टेंसिल वर्क लगेगा। आप तो जानते ही हैं कि जैसे कि डेकोपेज वर्क जो होता है वो काफ़ी, उसमें स्टेंसिल है, पेस्ट, उसमें टेक्सचर पेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइस पेपर, ये सब चीज़ों की नीड होती है, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। मैं यहाँ पे आपको बहुत चीप
वे में बता रही हूँ। 3D लाइनर है, बहुत ही चीप है, ये गोल्डन कलर है। आप इसको हल्का सा बस आपको टेक्चर्स देने देता जाना है। और ये चीज़ है कि बहुत ही चीप वे में मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको ये रेडी करना है। आपको इस तरह से टेक्चर दे देना है और यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पे वार्निश करना है। वार्निश एक वुडन शॉप पे मिल जाएगी आपको वार्निश, इसके ऊपर एक कोट लगाना है आपको, उसके बाद आपका ये कंप्लीट है। अब देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी जितनी भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।